अंधेरी धुंधली रात थी। रास्ते पर कुछ पड़ा हुआ था रेलवे स्टेशन की ओर जाते हुए, और एक टाइम के लिए आलोक डर गया। ऐसे कोई पड़ा हो, वो भी मध्यरात्रि को। लेकिन मन में आ रहा था कि कौन है, क्या हुआ है। रास्ते पर पड़े उस शरीर को देखने पहुंचा। देखा तो शरीर पर खून ही खून। लगा था कि शायद आखिरी ट्रेन ने जान ले ली। आलोक उसका चेहरा देखता उससे भी पहले एक सफेद कवर दिखा उसे बाजू में, जो हवा से हिलता हुआ आवाज कर रहा था। कागज को उठाया, लिखा था अप्रेजल लेटर। अब तो इतना उतावला हो चुका था कि पता तो चले इस लड़की के बारे में। वो लेटर को खोलने लगा ताकि रस्ते पर पड़े हुए शरीर के आसपास एक फ्लैशी टैग था। उससे पता चल रहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा। इस अप्रेजल लेटर के चमकते हुए कागज पर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था। जैसे पढ़ते ही आलोक के कानों में बिजली कौंध गई। अप्रेजल का पैसा शायद उस कागज की कीमत जितना ही होगा। मरे हुए लड़के के लिए बेचारा महसूस करने लगा था आलोक। आलोक सोचने लगा था ये पढ़ के तो कोई भी मर जाएगा। आलोक वहां खड़े खड़े सोच ही रहा था, इतने में स्ट्राइक हुआ उसको। लड़के के इनिशियल्स हुबहू उसके इनिशियल्स। उसने बॉडी को उल्टा घुमाया ताकि चेहरे को देख पाए, और घुमाते ही एक सेकंड के लिए आलोक खुद बेहोश हो गया। उसकी इनिशियल्स ही नहीं, उसका नाम, उसका बॉडी, उसकी हाइट, उसके लुक, सब कुछ आलोक से मैच कर रहा था। आलोक बोला, ये तो मैं खुद मरा पड़ा हूँ। आलोक जबरदस्त शॉक में था। उसे कोई कंधे पर पैट कर रहा था, बुला रहा था। आलोक अब सांस नहीं ले पा रहा था। उसने पीछे मुड़ के देखा कौन है, और फट से मुंह पे एक ग्लास भर पानी। पीछे मैनेजर खड़ा हुआ था और बोला, नींद से जाग आलोक, मेरे रूम में आ जा, तेरा अप्रेजल लेटर रेडी है, ले ले। किसी कंपनी में लोगों के अप्रेजल के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ध्यान रहे उसे उसका हक मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो उसके लिए लड़े। खड़ूस बन के जो है वो दे मत देना यार। अब क्या बताऊं, रेडियो की दुनिया में तो रोज ही अप्रेजल होते हैं। क्या आज का शो कैसा रहा? हर किसी के पास दिल होता है, एंड लेट्स जस्ट बी फेयर, दैट्स माय पॉइंट। अर्चना ने साथ है, सलाम दुआ वणकम प्रणाम, केम छो सारू छे, अमदावाद आखोई मारू छे। सलाम अमदावाद ब्रॉट यू बाय सत्यम डेवलपर्स लिमिटेड। अर्चना की ओर से गुड मॉर्निंग एंड